अगला सेशन से हमारा एक्चुअल सी प्रोग्रामिंग कोर्स शुरू होने वाला है। तो उससे पहले हमने सोचा कि इस कोर्स करने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा और आपके करियर पे क्या असर होगा, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये कहूँ मैं कि आपका ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और कोर्स ऐसा हो जो आपका तकदीर बदल सकते हुए, वो कहता हूँ मैं ये कोर्स है सी प्रोग्रामिंग का। तो अगर आप सिंसियरली इस कोर्स को फॉलो करोगे, जो काम दिया गया है वो सिंसियरली करोगे खुद, तब आपको गारंटी से के साथ कह सकता हूँ कि मैं आप करोड़पति तो ज़रूर बनोगे और आपका करियर शुरू हो जाएगा बहुत ही अच्छे कंपनियों में, कहीं विश्वमान्य कंपनी में आपको काम मिलना निश्चित है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगला टाइम होगा आपका अगला 3 से 4 हफ्ता। इसमें हम बेसिकली आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक या लॉजिकल स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एल्गोरिथम्स द्वारा, उसके बाद हम फ्लो चार्ट से भी आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक सिखाएंगे। अगर आपने किसी से पूछा जिन्होंने प्रोग्रामिंग करने छोड़ दिया, अगर आप 100 लोगों के से बात कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100 में से 100 बच्चे यही कहेंगे कि हमें प्रोग्रामिंग लॉजिक समझ में नहीं आया। इसका कारण एक या दो ही हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट से लॉजिक सीखने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात ये हो सकता है कि उन्होंने खुद अपनी तरफ से एफर्ट नहीं की कि एल्गोरिथम फ्लोचार्ट को समझे और उन्हें प्रैक्टिस करे और सॉल्व करने की कोशिश करे। क्योंकि जब हम दिखा रहे हैं आपको बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन जब आप करोगे थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप 3-4 हफ्ते सिर्फ दिन में 1 घंटा इसके लिए डिवोट कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ ये आपका लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट होगा। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में है, मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ईयर में अगर सबसे बढ़िया 2 सब्जेक्ट मुझे बताने के लिए कहोगे तो मैं कहूँगा सबसे इंटरेस्टिंग होगा फर्स्ट तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और दूसरा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं उसका कारण बताऊँगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से आपका लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है और ड्राइंग से आपका इमेजिनेशन क्रिएटिव स्किल्स बढ़ते हैं। तो अगर आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने स्टार्ट करोगे तो आपका लाइफ का सबसे फन और मोस्ट एन्जॉयबल सब्जेक्ट बनेगा। और जिस तरीके से हम आपको सिखाएंगे, आपको लगेगा बहुत ही सिंपल मैनर से आपको सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर अब तक हमने क्या सिखाया अगर आपको समझ में आया, तो ये अभी जो आगे समझाने जा रहे हैं हम, वो ए इससे बड़ा आसान होगा। अगर मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा इससे पहले जो हमने पढ़ाया था मैं उसे काफ़ी डिफ़िकल्ट मानता हूँ, ये अभी जो हम जो करने जाएंगे अगले 2 या 3 महीने काफ़ी ईजी होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आप एन्जॉय भी करोगे। आपको 1-2 हैबिट्स आपके चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहला लॉजिक का ये अच्छा है कि उसमें कोई मैथ्स का नॉलेज ज़रूरी नहीं है, उसमें सिर्फ एबिलिटी टू थिंक नॉर्मली सिंपली और इन अ प्रॉपर स्टेप वाइज या सीक्वेंस वाइज ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपना हैबिट जो बाय हार्ट करते हैं या रोट लर्निंग कहते हैं उसे प्लीज़ आप ड्रॉप कीजिए, क्योंकि पहली बार ऐसा सब्जेक्ट होगा जो अगर आप समझ लिए उसे तो इससे ईजी सब्जेक्ट होगा ही नहीं। अगर आप बाय हार्ट करने की कोशिश करोगे तब आपको काफ़ी दुविधा आएगी, क्योंकि आप इसी सब्जेक्ट बाय हार्ट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम इस कोर्स करने से आपको फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में बताने शुरू करेंगे। सबसे पहला, मैं सभी को स्वागत करता हूँ आपका पहला कदम लेने के लिए। आपने जो हिम्मत की पहला कदम लेने का, वंडरफुल यानी चैलेंजिंग वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार, रोचक और एन्जॉयबल होगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे डेवलपिंग प्रोग्रामिंग लॉजिक थ्रू एल्गोरिथम्स। उसके बाद हम आपको दोबारा चांस मिलेगा लॉजिक सुधारने के लिए और सीखने के लिए, वो फ्लोचार्ट से भी हम करेंगे। आपका पास चॉइस होगा, चाहे आप लॉजिकल प्रॉब्लम एल्गोरिथम से सॉल्व करें या फ्लोचार्ट से सॉल्व करें। तो आपको
अगर प्रोग्रामिंग लॉजिक मास्टर करनी है तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक समझ में आ गया तब आप निश्चिंत रहिए कि आप सबसे एंजॉय करोगे प्रोग्रामिंग सीखने में। इस कोर्स करने के बाद क्या होगा, अगला 3 महीने के बाद आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स यानी बेसिक नॉलेज बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप होंगे, नंबर वन। नंबर टू क्या होगा, आप खुद अपनी एबिलिटी से कोड लिख पाओगे, उसे रन कर पाओगे, आउटपुट निकाल पाओगे और ये आपके लिए बहुत ही हैप्पीनेस देगा। तो इसलिए आप थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ा हमारे लिए हाथ बढ़ाई, दोनों मिलके हम साथ चल के आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हम जो पढ़ा रहे हैं उस सीक्वेंस को मिस मत कीजिए, क्योंकि हमने सीक्वेंस परफेक्टली रखा है उस लिस्ट में, उस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। ऑनलाइन लेक्चर्स का एक बेनिफिट है कि आप कोई रीज़न नहीं दे सकते कि लेक्चर मिस करने का, क्योंकि अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो आज देख सकते हैं, कल देख सकते हैं, परसों देख सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, बड़ा भक्ति और श्रद्धा से हम जो सेशंस दे रहे हैं उन्हें एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, जब तक आपको समझ में आए। और उसके बाद जो हम सिंपल सा एक्सरसाइज या असाइनमेंट देते हैं उन्हें प्लीज़ एफर्ट करके कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ बहुत ही ईजी लगेगा, लेकिन जब आप करोगे थोड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप 6-7 घंटे एफर्ट डालोगे इसमें, मैं ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि आप लॉजिक नहीं सीख पाओगे। तो इस पॉजिटिव नोट पे हम गुड बाय कहते हैं आपको, और अगले सेशन में हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि एल्गोरिथम्स क्या है और हमें कैसे एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं।